Assalamu alaikum everyone. My name is Seerat Sial and you guys must be watching me on PNY Pink और मेरे अपने पेज पे भी. आज हमारा सेकेंड लाइव है विद वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पहले भी इम्पॉर्टेंट है और अब आजकल टाइम मिलने की सहूलत की वजह से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. बट आज उस टॉपिक पे हम एक सब टाइटल डाल रहे हैं विच इज़ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग. तो जैसे आप लोग ज्वाइन इन करते हैं आई विल इंशाल्लाह स्टार्ट राइट अवे. जैसे आप लोग ज्वाइन करें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा सो आई कैन गेट टू नो. और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आप लोगों को मैं बेस्ट 10 वेज इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिससे पर्सनैलिटी राइट अवे ग्रूम हो जाएगी. लाइक आपको उसमें कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाएगी. उसके बाद कल मैंने जो टॉपिक पकड़ा था, देखो सेल्फ ग्रूमिंग इज अ वेरी वास्ट नॉलेज. ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर हम सिर्फ ब्यूटी को कंसीडर नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे. तो सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर एक वेरी मेजर एंड वेरी एसेंशियल पार्ट एंड दैट इज पर्सनैलिटी ग्रूमिंग. वालेकुम अस्सलाम शाजिया अरशद, कैसे हो आप? पर्सनालिटी ग्रूमिंग एक ऐसा फीचर है जो कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी वुमेन्स में इन्हांस भी हुआ है और वक्त के साथ साथ बहुत सारी वुमेन्स में डी इन्हांस हुआ है. लाइक द वे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी के अंदर, मसरूफियत के अंदर, खास तौर पे हमारी सोसाइटी का एक बहुत मेजर पार्ट विच इज गेटिंग मैरिड, उसके बाद हमारी पर्सनालिटी कहीं लॉस्ट होती चली जाती है और हमें लगता है कि वेट लूज करना, बॉडी को शेप में रखना, अच्छा दिखना शादी से पहले तक जरूरी है क्योंकि तब तक आपका रिश्ता आने में मसला नहीं होना चाहिए. और जैसे ही आपका रिश्ता आ जाता है, आप सॉर्ट आउट हो जाते हो, यू गाइस गेट वेल सेटल, लाइक यू गेट मैरिड, उसके बाद ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती. वालेकुम अस्सलाम फिजा, खूबसूरत लोगों को खूबसूरत सा सलाम मेरी तरफ से. वालेकुम अस्सलाम हिरा अहमद. अब ये एक इतना बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं. मतलब मिसाल के तौर पर आप हैं और आपको लगता है कि अब आपको टाइम नहीं मिलता. द मेन थिंग इज कि मुझे टाइम नहीं मिलता तो आई कैन नॉट ग्रूम माई सेल्फ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता. वंस आई एम गॉट मैरिड मुझे घर के काम करने होते हैं. हर किसी के पास ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ हाउस होल्ड हेल्प नहीं होती तो मुझे टाइम नहीं मिलता है जिसकी वजह से मैं अपना ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से दिन ब दिन मैं वैसी नहीं रही. बहुत सारे लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि अपनी पुरानी तस्वीर दिखाकर कि देखो कभी मैं कितनी खूबसूरत होती थी, अब मैं इतनी खूबसूरत नहीं रही, समथिंग लाइक दैट. नाउ द थिंग इज कि आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ एक दफ़ा तैयारी करके रख लेने वाली बात होती है. ठीक है, यस आई एम मैरिड. वैसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना जरूरी नहीं है लेकिन आई एम मैरिड ऑब्वियसली. तो द थिंग इज कि अब मैं आपको शॉर्टेस्ट एंड फाइनेस्ट 10 ऐसे कुलिए बताऊंगी जिससे आप राइट अवे, अगर आप अपने आप को फिलहाल ग्रूमिंग के बार 10 पे देख रहे हैं या बार 15 पे देख रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप राइट अवे ग्रूमिंग के बार 90 पे 80 पे चले जाएंगे. उमेशा जान मलिक, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? खुद को नेक्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करना सेल्फ ग्रूमिंग में आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता. लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर कोई ऐसी चीज पसंद करता है जो आप में अच्छी दिखती है उसे, तो वो एक अलहदा टॉपिक है. बट सेल्फ ग्रूमिंग, वही तो मैं कह रही हूं कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट ताहयात. मतलब ताहयात आपको कम से कम अपनी शख्सियत तो अच्छी लगनी चाहिए. एंड हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक ये है कि हमारा सब कुछ शादी से पहले तक मुहित है या हमने कहीं जाना होता है तो मुहित है. अभी आप देखो क्वारंटाइन में मेरा ख्याल है 90% ऑफ वुमेन्स हैव बीन ब्लास्टेड एट होम. वो घरों में इस तरह रह रही होंगी जैसे उन्हें देखने सुनने वाला कोई बंदा पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है. क्योंकि हमें वाकई में ही, ये जो हीरा की बात है, हम अपने आप को ग्रूम करते हैं फॉर अदर पीपल्स जबकि ग्रूमिंग हमारे अपने लिए बहुत
अननेसेसरी है। अगर आप इस वीडियो को इसलिए नहीं सुन रहे कि आपको लगता है कि ये सब बातें हैं, तो मैं आपको बताती चलूं, जिन लोगों को आप इस वक्त आइडियलाइज करते हैं, जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे आइडियलाइज करते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पे आइडियलाइज करते हैं, उन सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सेल्फ ग्रूमिंग पे काम किया था, जिसके अंदर उनकी पर्सनालिटी, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं। मेनली आज हम जो बात करने लगे हैं वो हम करेंगे पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ हमने तैयारी करनी है और ये तैयारी आपने लिख लेनी है, थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है डेली बेसिस पे, और चेंजेस इतने विजिबल होंगे कि हर बंदा आपको कहेगा कि क्या कर रही हो आजकल, यू आर लुकिंग डिफरेंट। ठीक है, तो नंबर वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी सोसाइटी का एक ड्रॉबैक भी है, एंड दैट इज हेलो सेरिश, दैट इज बॉडी वेट। हमें ऐसा लगता है कि हमें स्मार्ट होना है बिकॉज कि हमें दूसरों को पतला होके दिखाना है, जबकि कहीं से भी तोंद निकलना, कहीं से भी जिस्म का इस तरह बड़े होना जिसकी जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आपको बहुत ज्यादा फूड इनटेक पसंद है, वो सेंस नहीं बनाता है। दैट डजंट ग्रूम योर पर्सनालिटी एट ऑल। आप जैसी भी अम्मी जी वॉचिंग यू विद मी वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगी। आपको बॉडी वेट क्यों मेंटेन करना है? नंबर वन, ये आपकी एनर्जी में बहुत काम करता है। नंबर टू, आपको कपड़े हर तरह के पहनने में मजा आता है। नंबर थ्री, आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी स्किन, आपके हेयर, सब चीजें बहुत अच्छी तरह वर्क करती हैं अगर आपका बॉडी वेट मेंटेन हुआ है। ठीक है, अगर आप अपनी बॉडी वेट को इसलिए मेंटेन नहीं कर रहे और खा खा के ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन आप ज्यादा खा रहे हो कि हमें किसने देखना है, मेरी तो अब शादी हो गई, मेरा अब रिश्ता हो गया, या आई एम अ स्टूडेंट या समथिंग लाइक दैट, बॉडी वेट सिर्फ इसलिए मेंटेन करना है, मेंटेन करने की बात हो रही है। आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कभी अपने बच्चों के साथ, अपने घर में या अपनी फैमिली के साथ कहीं दौड़ लगाने का मौका मिलता है, तो एटलीस्ट आप हांफो मत। ये पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा फीचर है कि जब आप बॉडी वेट बहुत ज्यादा गेन करते हो तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको समझ में बहुत सिवियर लेवल पे प्रॉब्लम होती है कि आप जो भी पहनो आपके कपड़ों से कहीं ना कहीं पसीना छलक रहा होता है, विच डजंट लुक गुड। ये हाइजीनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी वेट मेंटेन हो। जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ फौरन उसको कंट्रोल करना है, और करने के लिए कुछ ज्यादा साइंस नहीं चाहिए। आई एम टेलिंग यू, एक वॉक करने की जो बात है, कहीं दूर बाहर बागों में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर होम स्पेस, ठीक है, और 10 से 15 मिनट की वॉक ऐसे समझो लाजिम कर लो अपने पे। फजर की नमाज पढ़ के एक तस्बीह कर लो फिरते फिरते, रात को सोने से पहले घर में एक कमरे में थोड़ी देर चहलकदमी जिसे कहा जाता है। नंबर टू, जो खाना है जरा मखसूस अमाउंट में खाना है। हाय आमना, जो खाना है थोड़ी मखसूस अमाउंट में खाना है। बड़ा ही अजीब लगता है जब हम किसी वेडिंग पे या किसी जगह पे जाते हैं तो हम प्लेटें भर के बैठ जाते हैं। इट डजंट लुक गुड एट ऑल। ये आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। सेल्फ ग्रूमिंग में फाइनेंशियल स्टेबल होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ग्रूमिंग का ताल्लुक सादगी से है, ग्रूमिंग का ताल्लुक लग्जरी से नहीं है, ये बात जिन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बॉडी को आपने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मेंटेन करना है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इस तरह की ना हो कि आप जहां बैठे हैं आपको उठाने के लिए कोई आ रहा है, कोई और काम करने के लिए कोई आ रहा है। ये चीज क्लमजी दिखाती है, पर्सनालिटी डाउन करती है। बच्चों के साथ आप मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाती, घर में बहुत सारी मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाती, वेट इसलिए, अच्छा वेट कुछ लोग क्या करते हैं, वेट कम करने के चक्कर में रोज खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मुझे स्ट्रेस से वेट बढ़ता है। स्ट्रेस आता ही तभी है जब आप सेल्फ ग्रूमिंग पे बिलीव नहीं करते। मेरा ये मानना है जिस इंसान को खुद से प्यार है उसको स्ट्रेस नहीं आ सकता, क्योंकि उसको ये पता है कि स्ट्रेस मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा जहर है जो मुझे अंदर ही अंदर च्यू आउट कर जाएगा। जब वंस आपने अपना फूड डेकोरम बना लिया है कि यार मुझे कार्ब इतना लेना है, प्रोटीन इतना लेना है, या मैं जो खा रही हूं सादी गजा रोटी सालन वो मुझे कितनी खानी है, बस इतना ही है बॉडी वेट के लिए। सिंपल, फ्रूट्स ले रही हूं कितनी मिकदार में ले रही हूं, पानी पी रही हूं भूल जाती हूं पानी पीना, मुझे ज्यादा पीना है ताकि मैं हाइड्रेट रहूं।
नंबर टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का ताल्लुक फाइनेंस के साथ बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताती चलूं। महंगा कपड़ा अच्छा होता है ऐसा कहीं नहीं लिखा, मैं माई सेल्फ ब्रांड्स नहीं पहनती, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चूंकि ब्रांड पहनने के इतने शौकीन होते हैं कि हम लोग उल्टे सीधे प्रिंट्स वाले बड़े बड़े फूलों वाले रेप्लिकास खरीद लेते हैं टू लुक गुड। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप प्लेन प्लेन सादा रंग कोई भी, लाल पीला हरा लाल जो भी आपको सूट करता है, सादी सलवार की मीन्स प्रॉपर सलवार ही हो, आप उसमें भी बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। फर्क इतना है कि आप वो वाले कट्स पहने और वो वाली अलाइनमेंट पहने जो आपकी बॉडी को सूट करती है। बस अगर ऐसा होता है, हमने किसी स्टार को देखा है, किसी सेलिब्रिटी को देखा है, तो हमारा दिल करता है कि ओ माई गॉड इसको ये शॉर्ट शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, आपने पहनी आपको वो सूट नहीं कर रही, ठीक है। या आपने कहा कि ओ माई गॉड इसको ये फिटिंग वाला फ्राक बहुत खूबसूरत लग रहा था, आपने पहना आपको वो खूबसूरत नहीं लगा। ऑलवेज सिलेक्ट द वार्डरोब यू आर कैरिंग। आप 500 का सूट पहनती हैं या 5000 का, वो खूबसूरत तभी लगता है जब आपने अपनी मुनासिबत से उसको स्टाइलाइज किया हो। आप अपनी बॉडी शेप को ध्यान में रख कर कट सिलवाएं ट्राउजर का शलवार का, आपको पता होना चाहिए आपके कौन से पार्ट्स। अच्छा, इसके लिए छोटी सी टिप दे देती हूँ, एज आई एम अ डिजाइनर माई सेल्फ, तो एक छोटी सी टिप दे देती हूँ मैं, एंड दैट इज कि आपको करना यह है कि आपने हमेशा, ठीक है, जब भी कभी कोई कट डिजाइन करना है, आपने करना यह है कि जब भी आपने कोई डिजाइन करनी है चीज, तो आपने उसमें ये चीज करनी है कि जो बॉडी पार्ट्स आपको लगता है कि बहुत हैवी हैं और ये ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, उन पे आपने लूज फिटिंग पहननी है, और ऐसे पार्ट्स जो कि कॉन्टोर्ड हैं थोड़े स्लिम हैं उनमें आपने थोड़ी सी फिटिंग पहन भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे द बेस्ट वे टू कैरी योर ड्रेस इज टू मेक इट लूज फिट, बहुत ग्रेसफुल लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। आपका जितना ज्यादा ड्रेस फिटिंग में होता है वो उतना क्लमजी लगता है। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूं, मैं किसी की पर्सनल ड्रेसिंग पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, इट्स माय पर्सनल एजेंडा, एंड एट द सेम टाइम ये वो रूल्स हैं जो कि सोशली और क्वींस में और प्रिंसेसेस में ये रूल्स एक्सेप्टेबल हैं, लाइक ये वहां पर बकायदा राइज हो चुके हुए हैं। तो ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बता रही कि आप कहेंगे ये सीरत मैम ये आपको पसंद है तो हम क्यों पहने, नहीं, मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि दुनिया में बेहतरीन लोगों का पहनने का तरीका है। कपड़ा, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक बॉडी वेट एंड सेकेंडली आपका ड्रेस बहुत मैटर करता है। हर तरह का प्रिंट पहनना बंद कर दें, घर में हर तरह हर जगह पे कढ़ाई, हर लेस इज मोर, रिमेंबर वन थिंग, इसीलिए सेल्फ ग्रूमिंग का ताल्लुक पैसों के साथ नहीं है, लेस इज मोर, आपने जो पहना है उसमें नफासत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट टॉपिक, विच इज लैंग्वेज एंड साउंड। ये दो चीजें आपकी पर्सनैलिटी को इस कदर इन्फ्लुएंस करती हैं, या देखने वाले आपको बेहद तरीके से समझ जाते हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। अगर आप लफ्जों का इस्तेमाल, नंबर वन लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, हमें लगने लग गया कि हमें इंग्लिश बोलना लाजिम है, हमें नहीं भी आती तो भी बोलना लाजिम है। इतना इतना फनी लग रहा होता है जब आप एक ऐसी लैंग्वेज में अपनी कमांड शुरू कर रहे हो जिसमें आपकी दस्तरस नहीं है। आप उर्दू ही बोलो पर अच्छी बोलो, पंजाबी बोलो पर अच्छी बोलो, इंग्लिश बोलो तो अच्छी बोलो, परफेक्ट नहीं भी है तो कम से कम अच्छी होना जरूरी है। बेहंगम अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ नहीं जा सकते, वो आपको बोरिंग साउंड करवाएंगे। अगर आप लोगों को मुझे भी सुनना पसंद है तो उसकी बहुत सारी वजह ये भी हो सकती है कि मैं वैसे बोलना पसंद करती हूँ जिस जुबान पे मैं मुतमईन हूँ, चाहे कभी वो इंग्लिश की एक लाइन है तो चाहे कभी वो उर्दू के चार जुमले हैं। द थिंग इज कि लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साउंड की। आपको लगता है कि बहुत बारीक आवाज निकालने से या बहुत आहिस्ता बोलने से आप बहुत डिसेंट वुमन लगेंगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत चीख के बोलने से अगर आप बहुत रोबदार लगेंगी तो भी ऐसा नहीं। आपको अपने घर के माहौल के अंदर, अपने वर्किंग प्लेस में, अपनी काम वाली जगह पे, अपने बिजनेस वाली जगह पे एक टोन ऑफ
साउंड यानी कि जो आपकी जुबान का आपकी गुफ्तगू का है वो एक टोन सेटलाइज करनी पड़ती है, कभी ऊपर कभी नीचे, गुस्से में भी आप उसी टोन में बात करें और प्यार में भी आप उसी टोन से बात करें तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम लगेगी। अगर आप गुस्से में इस तरह बात कर रहे हैं कि आप आसमान फाड़ दें और प्यार में आप बिल्कुल शीरी घोलना शुरू हो चुके हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपकी पर्सनालिटी का बड़ा ही डाउन फीचर है। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जिससे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं, पीपल बैंक इंक्रीज होता है, लोग आपको आपके पहनने के अंदाज को, आपके बोलने के अंदाज को, आपके मामलात हैंडल करने के अंदाज को पसंद करते हुए आपसे ज्वाइन अप करते हैं। आपका बच्चा भी आपके बारे में प्राइड तभी फील करता है जब वो अपनी मदर को कहीं रिप्रेजेंटेबल चाहता है, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज मतलब वर्ड्स का चूज, इस्तेमाल, लफ्जों का सही इस्तेमाल, कैसे अल्फाज का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हमें कोई नहीं भी सुन रहा तो भी हम गंदे लफ्जों का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत वीक लगती है जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि जिनमें बात नहीं होती वो बात बात पे गाली देते हैं, जिनमें बात नहीं होती उनकी बातों में वजन नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो कि उनको सेंस लगती है, ठीक है। इसलिए अगर आपकी पर्सनालिटी है, आप में बात है, आपको बहुत चीख चीख के अपना आप मनवाने की जरूरत नहीं होती। यू कैन गो कामली, आप अपनी सिचुएशंस को आराम से हैंडल कर सकते हो और गुस्से के अंदर कम से कम बोलना है, क्योंकि जितना गुस्से में आप ज्यादा बोलते हो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आप चैनलाइज नहीं कर पाते चीजों को। और अगर आप गुस्से को इस्तेमाल कर रहे हो किसी जगह पे तो फिर ठीक है, एनर्जी कहीं यूज हुई है, किसी काम में इस्तेमाल हुई है, दैट्स गुड, गुस्सा निकाल देना चाहिए। वैसे मेरा मानना है गुस्सा रखना नहीं चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि औरतों के लिए बहुत मैटर करती है, विच इज एक्सेसराइज। एक्सेसरीज बहुत मैटर करती हैं आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वॉच की पिन करते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपका हाथ, आपका बाजू। अब आप कहो कि मैं वर्किंग वुमेन नहीं हूं और मैं तो घर पे रहती हूं तो मुझे वॉच क्यों पहननी है, बट इट लुक्स गुड। ये आपकी बॉडी को एक टेक्सचर, एक स्ट्रक्चर देते हैं। आप जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, एक इंटेलिजेंट इंसान है, तो उसकी वजह से आप थोड़ी सेंस बनाना शुरू करते हैं। जो जूता आप कैरी करते हो उसका भी थोड़ा तमीजदार होना बहुत जरूरी है। हमें बाजार में हर बूटी, हर कली, हर तरह की चीज पसंद आ जाती है, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी के साथ चल नहीं रहे होते। सो गो विद द शूज जो कि आपकी पर्सनालिटी को च्यू अप ना करें। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे चीजें चीजें हैं, इंसान जितनी ताकत नहीं रखते। ऐसी कोई भी चीज पहन के जिसमें आपके ऊपर लदी हुई चीजें तो नजर आ रही हैं पर आप नजर नहीं आ रहे, इट डजंट लुक गुड एट ऑल। लोग आप पे पहनी जूती को इसलिए कहें कि ये जूती अच्छी लग रही है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये कहें कि जूती बहुत अच्छी लग रही है, कहां से ली है, तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी च्यू अप हो चुकी हुई है, खा चुकी है ये चीजें। आप जॉब का इंटरव्यू देने जाएं, आपका बिजनेस में कहीं फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस इतना चमक नहीं पा रहा, मैं आपको बताती चलूं कि आपकी पर्सनैलिटी की वजह से कम 20 से 25% आप नुकसान उठाते होंगे, क्योंकि आपके बैठने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, चाहे आप कितने ही अच्छे इंसान हैं, कितने ही अच्छे इंसान, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का एक मेजर फैक्टर इखलाक है। अगर आप में इखलाक नहीं है, आपके अच्छे कपड़े किसी काम के नहीं है, आपकी जुबान किसी काम की नहीं है, आपका बॉडी वेट किसी काम का नहीं है, आप फिट हैं, आप डैशिंग हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपका इखलाक नहीं है, व्हेन यू आर टॉकिंग विद पीपल एंड यू आर नॉट मेकिंग सेंस, यू आर नॉट बीइंग काइंड, जेंटल विद योर वर्ड्स, आप मुंह में हर आने वाला लफ्ज ऐसे ही नहीं बोल देती हैं, तो फिर यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे। अच्छा, अब आजकल एक ओवरलैपिंग आ चुकी है, विच इज के स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और ब्लंट होना, इसको बहुत कमांड में समझा जाता है, जबकि कम्युनिकेशन के असूलों के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंटनेस पसंद नहीं की जाती। लफ्जों को थोड़ा मध्यम करके, उनको थोड़ा लपेट के बोलना ही सेहत के लिए अच्छा है, आपके लिए और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए ये 5 मेजर फैक्टर जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा भी ऐड करोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी विल चेंज लाइक एनीथिंग।
मैंने बहुत सारी लड़कियों को काम, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से फील्ड में हूँ, आई एम वर्किंग, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप प्लान्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से कामयाब भी किए हैं, आई एम वर्किंग ऑन देम और वो दे आर गोइंग ग्रेट माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात एक दिन में होती है और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पर्सनालिटी को पीछे रख के हम हर वक्त काम की बात कर रहे होते हैं। जब जनाब आपकी पर्सनालिटी ही नहीं है तो आपने काम किन के साथ करना है? काम तो लोगों के साथ होता है, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी ही नहीं है तो आपके घर में आपके बच्चे भी ज्यादा आपको पसंद करने के बजाय अपने टीचर को आइडियलाइज करते हैं, क्योंकि उनकी टीचर रोज एक प्रॉपर ड्रेस पहने, एक प्रॉपर बैग लिए, प्रॉपर बाल बनाए आती है स्कूल में। लेकिन जब वो अपनी माँ को देखते हैं तो उसके वाइस वर्सा उनकी मदर थकी हुई, चेहरे पे सलवटें पड़ी हुई, परेशान, बदहाल और इस स्टैचू में होती है तो वो एडमायर नहीं कर पाते। और दिस मैटर्स अलॉट, आपकी पर्सनैलिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि आपकी जनरेशन आप पे लुकअप करती है, दे आर लाइक मंकीज। आप अगर एक फ्रीलांसर भी हैं तो भी, आप अगर कोई बिजनेस की एंटिटी नहीं भी ऑन करते तो भी आपको पर्सनैलिटी इसलिए चाहिए, या आपके अंदर हर तरह की बात होना इसलिए जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे लोग काम के साथ साथ आपसे भी ताल्लुक रखते हैं। ये वाला फंडा ज्यादा देर नहीं चल पाएगा कि जी मेरा काम पसंद आता है वो इसलिए मैं ऐसा काम करते हैं वरना मैं तो ऐसी ही हूं, वो ज्यादा देर आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे आप जैसी भी हैं। हम्बल हम्बल होना, इखलाक वाला होना, काइंड होना आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि बहुत जरूरी है, आपकी जो भी तालीम है, आप 10 पढ़े हो, आप 8 पढ़े हो, आप 14 पढ़े हो, आप 16 पढ़े हो, आप प्रोफेसर हो, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये पर्सनालिटी का बड़ा मेन फीचर है, क्योंकि जनरल नॉलेज ना अच्छा होने की वजह से हम बाज़ात महफिलों में बैठ के ऐसी स्टूपिड बातें कर रहे होते हैं कि दूसरे सुनने वाले या इर्द गिर्द वाले लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसको बात नहीं करनी आती। साथ ही साथ वो माए, वो अमियाँ जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, द होम मेकर्स जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, आपके बच्चे आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। और एज अ मदर मैं इस चीज को जानती हूँ कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वो जो कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा जनरल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है विच इज एक्सपोजर। वक्त के साथ साथ अगर आप घर से इतना बाहर नहीं भी निकल पा रही, हमारे पास एक नेमत है विच इज इंटरनेट, और ये नेमत है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर यूजिंग इट। सोशल मीडिया पे बैठकर आप बहुत सारा एक्सपोजर इंक्रीज कर सकती हैं। आप देख सकती हैं मार्केट में नई चीजें क्या आ रही हैं, नई चीजें कैसे हो रही हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है उसको रख लें, और जो आपके काम की नहीं है उसको निकाल दें जहन से। बट आपसे जब कोई बात करेगा और आपकी बात की थोड़ी अक्ल शऊर झलकती हुई तो लोगों के साथ साथ आप खुद भी अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करना शुरू करेंगी, क्योंकि आपको हाफ ऑफ द अफेयर्स दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये पता ही नहीं है। इस वजह से जब कोई आपसे बात करता है तो आप बहुत आराम से ये बात करती हैं, हमें क्या पता इन सब चीजों का, हम तो शादी के बाद बिल्कुल लॉस्ट हो चुके हैं, या हम तो स्टूडेंट हैं हमें क्या पता इन चीजों का, किताबों से फुर्सत नहीं मिलती, या मुझे तो सारा दिन अपनी जॉब से फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीजों के लिए टाइम निकालूं। एक्सपोजर एंड जनरल नॉलेज मैटर्स अलॉट। ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपके बिजनेस में, आपके फ्रीलांसिंग में, आपके करियर में, आपके स्टूडेंट होने में 4 चांद लग सकते हैं अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, आपको अपडेट्स पता है जिंदगी की, आने वाले टेक्नोलॉजीज की, प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज की, एसोसिएशन इनके साथ आपको थोड़ा अप टू डेट बनाती है। और वंस जब आप अप टू डेट बनते हो तो पर्सनैलिटी ग्रूम होने के साथ साथ चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से PNY पिंक भी बना, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इदारे चल रहे हैं जो कि आपके काम आ रहे हैं, विच इज स्किल ट्रेनिंग। मैं आपको ये बताती चलूं कि अगला तमाम तर दौर जितना भी आने वाला है, स्किल ट्रेनिंग एक कमांड रखता है, किंग ऑफ ऑल स्टडीज इसने बन जाना है। बाहर के मुल्कों में ये बहुत अरसे से हो रहा है, हमारे लोग इसको थोड़ा सा देर से समझे। यानी हमारे घर जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये फलां बनेगा, ये फलां बनेगा। आप कुछ भी बन जाएं, आप डॉक्टर भी तब तक जनरल डॉक्टर ही रहते हैं जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं करते, इंजीनियर भी तब तक आप जनरल इंजीनियर ही रहते हैं जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं करते।
अगर आप अपनी लाइफ में इस वक्त लॉस्ट है, आपके पास टाइम है, क्वारंटाइन का टाइम बढ़ चुका है, लॉकडाउन इंक्रीज हो गया हो गए हैं, जो भी चीजें चल रही हैं इस वक्त, हमें अगर 22 तक रुकना है या 28 तक रुकना है, स्किल ट्रेनिंग कीजिए। इस वक्त पीएनवाई पिंक के पेज पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज नजर आ रहे होंगे जिनसे आपकी बिल्कुल एफिलेशन नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि आपकी एफिलेशन नहीं है, लेकिन अगर जैसे मैं ब्यूटी फील्ड से ताल्लुक था मेरा बहुत अरसे से था, लेकिन ब्यूटी से पहले मैं एजुकेशन से कनेक्टेड रही हूँ, और उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज किए, देन मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटर हूँ। अब कोई ये बोले कि यार तुम तो सलोन चलाती हो, तुम्हें इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट क्या है, तो मुझे तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस ई कॉमर्स पे चलता है तो आपको डिजिटल मीडिया आना भी जरूरी है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के रूल्स, टर्म्स एंड रेगुलेशंस पता होना भी जरूरी है। अगर आपको कस्टमर से बात करना नहीं आता, उसके साथ इखलाक से पेश होना नहीं आता, अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना नहीं आता, तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। स्किल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। आप SEO करो, आप CDMM करो, आप कंटेंट राइटिंग सीखो, आप पब्लिक्स, और मैं आपको ये बात बताती चलूं, आपका कोई भी कोर्स बिल्कुल भी फारिग या फालतू नहीं जाएगा। यकीन माने ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बहुत अरसा पहले की थी और वो मेरे आज काम आ रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज रायगा नहीं जाती। इसलिए अगर आप अभी टाइम नहीं भी निकाल पा रही, जैसे ही आपके बच्चे दोबारा स्कूल को जाते हैं या आपको लगता है कि दोबारा नॉर्मल लाइफ शुरू होती है, डू वन थिंग, डू वन फेवर टू योर सेल्फ, ऑनलाइन कोई भी कोर्स ग्रास्प कर लो। ऑनलाइन कोर्सेज का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप उनके लिए फाइल अप करते हो तो आपको अपने लैपटॉप में हर चीज सुनने को मिल जाती है या मोबाइल पे भी सुनने को मिल जाती है। इससे यह फायदा होगा कि जब आपकी स्किल ट्रेनिंग इंक्रीज होगी, लाइफ इज नॉट सेम एवरी टाइम एवरी अदर डे, हर रोज एक जैसा नहीं होता। अगर आप अभी सेटल भी हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरी लाइफ सेटल रहने वाली हैं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे, बट लाइफ इज लाइक दैट, इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेज एट ऑल। तो द थिंग इज कि स्किल ट्रेनिंग मैटर्स अ लॉट। हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि अभी तक हम इस चीज की तरफ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, मेकअप सीखने के लिए, या कोई भी जिंदगी में काम करने के लिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। पर्सनालिटी ग्रूमिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक लास्ट दो चीजें रह गई हैं जो कि मैं बहुत जरूरी हैं, जिसका ताल्लुक थोड़ा सा आपकी सोल से है, दैट इज रिसर्च की आदत डालिए। प्लीज हमारे लोगों में तस्दीक करने की और बात की छांच पटक करने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी कुछ अरसे बाद लूज लगती है। क्योंकि जब एक लाइन आप एक अरसे पहले बोल रहे हैं और दोबारा उसकी रिसर्च करने में पता लगता है कि ये बात सही नहीं थी, तो आपको झूठा समझने वाली एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी हो चुकी है। इसलिए ऑलवेज कीप दिस हैबिट ऑफ रिसर्चिंग। एज अ वुमेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम एक बंदी की गॉसिप दूसरी बंदी को बताते हैं तो हमें रिसर्च किया हो कि जो हम बता रहे हैं आगे वो 100% ट्रूथ है। तस्दीक के बगैर बात फैलाना पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। साथ ही साथ सेशन को थोड़ा सा प्रोसीड करते हुए, फिर मैं इसके बाद आपके सवाल लूंगी 5 मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पर्सनालिटी के अंदर 4 चांद लगा देगी, और आप ट्राई करके देखिएगा, जो कि मैंने लास्ट पे इसलिए रखी है कि आप लोगों को सारी मटीरियलिस्टिक चीजों के बाद मैं कुछ बताऊं जो कि इन सबको 4 चांद लगा सकता है, दैट इज स्माइल। अगर आपको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता तो आपको मैं बताती चलूं कि आपके कपड़े भी किसी काम के नहीं है, आपका अच्छा बोलना भी किसी काम का नहीं है, आपका हम्बल होना भी किसी काम का नहीं है। जो मुस्कुराहट है, द स्माइल, स्माइल मैटर्स अ लॉट। स्माइल इतना कुछ सॉर्ट आउट कर देती है कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। एक स्ट्रिक्ट बॉस का मूड अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों के ऊपर एक अच्छी मोमेंट आ सकती है, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, आपके फ्रीलांसिंग करियर के अंदर स्माइल क्लाइंट के लिए एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकती है। तो आज आपने ये चीज ट्राई करके देखनी है, 24 आवर्स का चैलेंज ले लीजिए और ट्राई कि जब जब आपको भूले कि आप मुस्कुरा नहीं रहे, तब तब आपने दोबारा स्माइल करनी है।
आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी कि आप जिन मौकों पर बिल्कुल यूं बैठे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे चेहरे पे मुसलसल स्माइल है, लेकिन सोचो अगर मैं 2 मिनट के लिए अपनी स्माइल बंद करके आपसे बात करती हूँ, लेट्स ट्राई 1 2 3। हाँ, तो मैं आपको ये कह रही थी कि बेसिकली आपको करना ये है कि आपको अपने बॉडी वेट का ध्यान रखना है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना है। इमेजिन लुक हाउ माई फेस इज लुकिंग, नॉट एट ऑल अपीलिंग एट ऑल। इसलिए मेक श्योर एज अ वुमन यू मस्ट हैव अ ग्रेसफुल स्माइल विद यू। आपके आपके मुस्कुराने से आपकी नस्ल में शुक्रगुजारी पैदा होगी, एंड अ शुक्रगुजार पर्सन हैव अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आपके पैसे, आपका फाइनेंस, आपका अमीर होना कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि शुक्रगुजार बंदे को नेमतें नजर ही नहीं आती, वरना अगर आती हों तो वो उन्हें कभी ना कभी मुखातिब जरूर करें। सो वट एवर यू आर डूइंग, स्किल ट्रेनिंग, जनरल नॉलेज, बॉडी वेट, ड्रेसिंग, लैंग्वेज, साउंड, हम्बल होना और ये सब चीजें, इसके साथ साथ रिमेंबर दिस पॉइंट टू बी ग्रेटफुल। शुक्रगुजार होने से आपको एक सेल्फ रिलीफ मिलना शुरू होगा, एक वो जो दौड़ लगी हुई है ना उस दौड़ में थोड़ी कमी आ जाएगी। और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर कॉन्फिडेंस। एक बात मेरी याद रखिएगा, डरना अल्लाह की जात से चाहिए और लोगों का एहतराम करना चाहिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, डरना अल्लाह की जात से चाहिए और लोगों का एहतराम करना चाहिए। हर इंसान से डर डर के चलने की वजह से आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से 70% औरतें और इवन मर्द हजरात भी ऐसे बैठते हैं यूं। ये है स्ट्रक्चर बेंडेड, क्योंकि हमें डरने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेट एंड पोज भी नहीं रख पाते, और इसकी वजह से डॉक्टरों की कमाइयां बहुत बढ़ गई हैं। किस तरह बढ़ गई हैं कि चूंकि हम अपनी कमर को हर वक्त लाउची रखते हैं, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है जब डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो डॉक्टर्स को अच्छी खासी मिल जाती है फेवर। और इसी तरह जब हम डर सहम के बैठते हैं तो हमारी कमर लाउची होने की वजह से हमें बहुत सारे बेड सोल्स एंड मैट्रेसेस चाहिए होते हैं। So, if you are not thinking about your personality right now in the time of quarantine, kab sochoge? Yehi time hai, the best time to analyze and channelize your energies. Agar abhi bhi analyze or channelize nahi kar rahe ho, I am telling you, tumhara paisa kisi kaam ka nahi hai, tumhari soche aur fikre kisi kaam ki nahi hai. One life, one time achievement, one time living hai, to phir उसको एक बेस्ट वे में पुट इन करके जीना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हमें खुद ही को बनना है। PNY पिंक भी मैं इसीलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हूँ, या आप लोग मुझे इसीलिए देख पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका जो रोल मॉडल मेरे सामने प्रेजेंट किया गया है वो ये है टू एम्पावर अ वुमन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरिंग अ वुमन, तो वुमन की अपनी पर्सनैलिटी भी तो मैटर करती है। अब वुमन अगर दूसरे लोगों को देखकर हर चीज कॉपी करके, कॉपी करने के बाद अपने ऊपर लागू कर ले और फिर वैसे चलना शुरू हो जाए जैसे दूसरा बंदा चल रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। कभी भी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मैं वैसे नेगेटिव चीजों के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन नेवर एवर कॉपी एनीवन। आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, योर बॉडी एंड योर माइंड, एंड आप डन। तो ये थी मेरी इंस्ट्रक्शंस। आई होप कि आप थोड़ी थोड़ी करके इसको ऐड करोगे और ऐड करने के बाद मुझे बताओगे कि हाउ इट्स फीलिंग। एक हफ्ता मेरे कहने के मुताबिक इस तरह करके देखें, छोटी छोटी चीजों में चेंजेस करें, बेबी स्टेप्स लें, एंड यू विल लव योर लाइफ मोर देन एनीथिंग। आपको अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा किसी रोल मॉडल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 2 से 3 मिनट यहाँ पर हूँ। मैं कमेंट्स को स्वाइप कर लेती हूँ, आई गेस मेरे पास स्टक हुआ मैं कमेंट्स। कोई भी सवाल है किसी भी हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी डाउट, बिकॉज मेरे बिजनेस टर्म्स और ये सब चीजें जानने के लिए यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल हैंडल्स। मेरा नाम सीरत सियाल है और मैं हर जगह आपको इसी नाम से मिलूंगी।
मैं देखती हूँ कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स आ नहीं रहे हैं या आप लोग कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है पर्सनालिटी ग्रूमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो सवाल ना ही पूछे जाए। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा, देखा वहां मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे, ओके मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। रदा गुस्सा अगर बहुत ज्यादा आता है उसको चैनलाइज करना शुरू करो। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, दिस इज बिलोंग्स टू अ हेल्दी माइंड, ठीक है। गुस्सा आना हेल्दी माइंड की निशानी है। हम लोगों ने गुस्से को एक अजीब सी चीज बना लिया हुआ है। गुस्सा एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी की निशानी है। गुस्सा निकालते कैसे हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आप गुस्से में अपना नुकसान कर देते हो, आपको ये पता है कि इवन गुस्से में खाना खाना भी जहरीला हो सकता है, दैट कैन कॉज कैंसर टू, और ये प्रूवन है, ठीक है। गुस्से को चैनलाइज करो, घर का कोई काम निकाल लो, कोई वार्डरोब क्लीन करना शुरू कर दो, वॉशरूम धोने निकल जाओ, डू समथिंग प्रोडक्टिव एट दैट टाइम। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम आप लेट हो गई, यस ऐसे ही है, वेरी वेल सेड। डेली क्लास हुआ करेगी रिदा, वी आर कमिंग अप विद मेनी लाइव वीडियोस ऑन बीएनवाई पिंक जो कि आप लोगों को हेल्प कर सके, बिकॉज नॉट एवरी वुमन इज एबल टू कम टू द इंस्टीट्यूट। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जो भी कोर्सेज आ रहे हैं उनको जरूर पिकआउट करो, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपने गुस्से को चैनलाइज करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गुस्से को चैनलाइज नहीं करोगे, गुस्सा आपको खा जाएगा और कुछ अरसे के बाद आप एक पेशेंट बन जाओगे जिसको हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिसको बात बात पे चिड़चिड़ापन होता है। और ऐसा बंदा जिसको गुस्सा बहुत आता है, उसकी जो चाबियां है ना वो लोगों के पास होती हैं। कभी भी लोग उसको चाबी लगाकर ना अपनी तरह हिला जुला लेते हैं। एक छोटी सी टिप है और गुस्से को हैंडल करने के लिए, जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी गुस्सा खत्म भी करना है, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। बाकी सारे कमेंट्स आई गेस मैंने मिस कर दिए हैं। हाउ टू रिस्पॉन्ड रेपिटेटिव बॉडी शेमिंग, अनम खान, इफ समबडी इज वेस्टिंग देयर एनर्जी एंड टाइम टू टॉक अबाउट यू, इट मीन्स यू आर सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट लिटरली। क्योंकि आज तो यहाँ किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी को देखने का, तो अगर कोई आपको बॉडी शेम करता है तो उसको आपने ये बिल्कुल नहीं बताना कि आपको अपनी बॉडी से कोई प्रॉब्लम है। मुझे ये बॉडी शेमिंग वाले टर्म से ही बड़ा मसला है, क्योंकि आपकी बॉडी है, अगर आप उसके बारे में शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे तो कोई शर्मिंदा करवा नहीं सकेगा। इट इज एज सिंपल जैसे कि हमारा घर है, हम जाने कि हमारा घर कैसा है, कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अपने घर के बारे में शुक्रगुजार हूं। दिस इज सिंपल। जब हम अपने घर को लेकर ग्रेटफुल नहीं होते और हम अपनी पर्सनैलिटी ओन नहीं करते, उस वक्त हमें हर किसी की बात मैटर करती है। सबसे बिग प्रॉब्लम, मेरे हबी को शलवार कमीज बहुत पसंद है बट मुझ पर सूट नहीं करती। उमैसा जान मलिक, आपने पता क्या करना, अगर आपके हबी को शलवार कमीज नहीं पसंद है और आपको सूट नहीं करती, तो बीच वाला कोई वे निकाल लो। ऐसा करो कि आप ट्राउजर और शर्ट्स पहनना शुरू कर दो, ए लाइन शर्ट ट्राई करके देखो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करो, कफ्स पे चले जाओ, कॉलर्स पे चले जाओ, बैंड्स पे चले जाओ, फुल स्लीव्स पहनना शुरू कर दो, डू थिंग्स लाइक दिस। मुझे स्टडीज की टेंशन काफी होती है कि टेंशन से तबीयत भी खराब है, एंड टेंशन इतनी है कि पढ़ा नहीं जाता। टेंशन क्यों लेनी है, पढ़ना है। स्टडीज की टेंशन नहीं लेते हैं, पढ़ते हैं। जितना पढ़ा जाता है पढ़ लो, और जितना लिखा जाता है लिख लो। अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको सोसाइटी में नाम पैदा करना है, तो मेरा बच्चा यहाँ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी जो है ना, वो कुछ लोगों को पसंद है और कुछ को नहीं पसंद, दिस इज हाउ द पीपल आर। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको आप अपने लिए पढ़ो, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ो, अपनी एक्सीलेंस के लिए पढ़ो, फिर आपको आसानी होना शुरू हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, स्टूडेंट के टॉपिक में फिर कभी आऊंगी। अगर आप बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक पढ़े, वैसे मैं आई माई सेल्फ अ साइंस स्टूडेंट, एक टॉपिक पढ़े हो और उसको आप इस तरह पढ़ो कि मैं आज ये देखूंगी कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है, तो आपको जल्दी याद होगा। लेकिन अगर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपने ये सबक अपने टीचर को सुनाना है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं अपने रूटीन को कैसे चेंज करूं, रिदा छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं आपने, छोटे छोटे। एक तो सब सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, शाम को जल्दी सोने की आदत डालिए। स्कूल नहीं जाते हम, मैं मानती हूं, लेकिन सुबह का इस्तकबाल करना, सुबह अपनी एनर्जीज को यूज करना, और मैं इस बारे में आऊंगी लाइव, ठीक है, मैं इस बारे में लाइव आके आपको बताऊंगी। क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नोटिस के आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नोटिस हैं? नोट्स नहीं है मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोई,
मैं आप लोगों को लाइव वीडियोस में हेल्प करती रहूंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। एज सच मैंने कोई नोट्स डेवलप नहीं किए हुए, लेकिन आपको मैं ऐसी चीजें बताती रहूंगी कि जिससे आपने, पहले तो ये 10 पॉइंट ऐड करो ना, इसी को प्रैक्टिस करने में 6 महीने लग जाने हैं मेरी जान। डिग्री लेनी है, इतना बर्डन है, खत्म ही नहीं होती पढ़ाई, टेंशन है, अनकंफर्टेबल। ज़हरा असद आ जाएगी डिग्री, और किसने चेक करनी है, इंटरव्यू और जॉब के लिए चाहिए होती है, आई एग्री। बट अपने अंदर कम्युनिकेशन का लेवल डालो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने अंदर एक बॉडी स्ट्रक्चर को इंक्रीज करो, बात करो तो बात में वजन हो, इस चीज को भी इंक्रीज करो। पढ़ पढ़ा के भी मैंने लोगों को देखा कि वो 4 घंटे यही ढूंढते रहते हैं कि उन्हें लाइन कौन सी बोलनी है, विच इज नॉट राइट। ठीक है जी, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, यू गाइस कैन ड्रॉप इट ओवर हियर, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह हम फिर किसी और टॉपिक के साथ लाइव आएंगे, और आप लोग अपने टॉपिक्स मेंशन कर सकते हो वीडियो के कमेंट्स में कि आप लोग किन टॉपिक्स पर लाइव मुझसे चाहते हो। वैसे तो ब्यूटिशियन से रिलेटेड मैं क्या सर्च करूँ, शाजी अर्शद, ब्यूटिशियन से रिलेटेड बहुत कुछ है मेरी जान, बहुत कुछ है। लाइक मिसाल के तौर पर अपने आप को ब्यूटी फीचर्स कैसे इन्हांस करते हैं, लेस मेकअप में ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिखते हैं, हेयर्स का ऐसा कौन सा हेयर स्टाइल हो कि मैं शादी पे जाऊँ या मैं घर पे तैयार हूँ तो मैं कैसी लगूँ, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मुझे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अच्छे फेशियल्स कैसे हो रहे हैं, ब्यूटिशियन के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। यू आर डूइंग वेल मैम, थैंक यू सो मच महामनी, यू आर लुकिंग प्रिटी, थैंक यू आलिया याकूब। ये मैंने इस वीडियो के लिए मेकअप नहीं किया स्पेसिफिकली, मैं ऐसे ही तैयार हुई हुई थी, टू लुक ब्यूटिफुल, टू लुक प्रिटी टू माई सेल्फ, और विच इज मेकिंग दिस क्वारंटाइन अ लिटिल हेल्दी। वजू करने के बाद अगर आप थोड़ा सा तैयार हो जाओ तो इट्स इट डिक्रीज द डिप्रेशन ना, तो इट मैटर्स अ लॉट। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। यस, I'm coming up with many videos over there too, और PNY Pink में भी हम लोग बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ PNY Pink वाले खुद बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, और you will see whole lot of things। जब आप मुझे follow करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरी दुनिया कैसी है, मैं क्या करती हूँ, कैसे नहीं करती। और दुआ में याद रखिएगा, इस चीज़ों को प्लीज ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को बंद करने से पहले एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा, ठीक है, प्यारी सी स्माइल देनी है, बिकॉज पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का एक मेन पार्ट है आपकी मुस्कुराहट। सही हो गया, खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।